भाजयुमो के हल्ला बोल आंदोलन में प्रदेश सरकार को वादा याद दिलाने दुर्ग से सैकड़ों भाजपाई राजधानी में सीएम हाउस घेरने भाजपा कार्यालय से हुए रवाना। शिक्षित युवकों को नौकरी व 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करने वाली छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी किए जाने के विरोध में बड़ी संख्या में भाजपाइयों ने अपना आक्रोश जताते हुए बुधवार को दुर्ग के बाईपास कार्यालय से राजधानी रायपुर के लिए बसों में रवाना हुए। वहीं प्रदेश भाजयुमो के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आवास घेरने के हल्ला बोल कार्यक्रम में शामिल होने दुर्ग शहर के मंडलों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बसों व विभिन्न संसाधनों से रवाना हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भूपेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही आंदोलन की हुंकार भरी। इस अवसर पर जिला भाजपा मंत्री दिनेश देवांगन ने कहा कि युवा मोर्चा द्वारा आयोजित हल्ला बोल आंदोलन के माध्यम से कार्यकर्ता अब भूपेश सरकार के खिलाफ सीधी लड़ाई का आगाज कर दिया है और आज राजधानी में 1,00,000 युवाओं व कार्यकर्ताओं के साथ सीएम बघेल का निवास घेर कर बेरोजगारों को नौकरी व बेरोजगारी भत्ता देने की मांग करेंगे। प्रदेश की भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव पूर्व जो उन्होंने जन घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने और 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ते का जो वादा किया था वो वादा आज 4.25 साल में पूरा नहीं किए जाने के विरोध में आज छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा उनके वादा याद दिलाने मुख्यमंत्री निवास घेरने का हल्ला बोल कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में दुर्ग शहर से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल होने राजधानी रायपुर को पहुंच किए हैं। हमारे गंजपारा सदर मंडल, जंडी शीतला मंडल और जो शहर के सभी चारों मंडल के कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय से बसों एवं विभिन्न वाहनों से रायपुर की ओर जा रहे हैं और आज इस आंदोलन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ये आगाज करना चाहती है कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार जिस प्रकार से तानाशाही पूर्ण ढंग से शासन कर रहे हैं और अपने एक भी वादा पूरा नहीं किया है, उन वादों को याद दिलाने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरी है। आज हम सब इस बात की संकल्प लेकर जा रहे हैं कि अब ये सरकार गद्दी में नहीं रहेगी बल्कि इसको उखाड़ फेंकने तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और इसी परिप्रेक्ष्य में हम सब हल्ला बोल आंदोलन में शामिल होने रायपुर की ओर जा रहे हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।